दोस्तों अब हम ये सब्जी बनाने चल रहे हैं, मेथी और आलू का साग। ये देखिए ये मेथी कट गई है। ये हमारे संतोष भैया हैं, देखिए कितनी बढ़िया मेथी काटी है, हम तो काट ही नहीं पाते इतनी मेथी दोस्तों। ये देखिए इतना बारीक मेथी नहीं काट पाते कोई कोई तो। मेरे यहाँ एक लोग थी चना काटने की स्पेशलिस्ट थी, चने का साग वो हसिया से काटती थी और इतना महीन काटती थी, एक मिनट में पकता था। तो चलिए देखिए कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया है और अब सब्जी बनाने चल रहे हैं। डालते हैं थोड़ा सा इसमें जीरा, सिंपल से साग बनेगा मेथी और आलू बिना मसाले का, सिर्फ जीरा लहसुन मिर्च। ये लोहे वाली कलछुल जो है ना वो खटखट खटखट करती है ना। अब ये देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको हम पका लेते हैं पानी तो सुनते। अब ये तेल थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़ा पानी डाल के साग को पका लेते हैं, पका लेते क्योंकि लहसुन का और इसका अदरक का पेस्ट कच्चा नहीं होना चाहिए, कच्चा रहेगा तो हमारी सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। और देखिए इसमें मिर्चा भी हम बड़ा बड़ा डालेंगे जिससे जिसको ना अच्छा लगे वो निकाल के फेंके, क्योंकि हमारे घर में फ्रेंड्स तीखा कोई नहीं खाता ज्यादा। अब इसको हम पका लेते हैं, जब इसमें अच्छी सी महक आएगी तब हम इसको पकाना बंद करेंगे। और इसमें थोड़ी सी मेथी डाल देते हैं, बहुत अच्छा साग बन के तैयार होगा। और लेकिन हम हल्दी वगैरह नहीं डालते, और क्या करते हैं सारी धनिया मिर्चा ये सारे पारंपरिक मसाले जो हैं वो हम कम डालते हैं, लोग डालते हैं लेकिन हम नहीं डालते हैं। तो ये डाल देते हैं हींग इसमें, ये देखिए। और फ्रेंड्स मेरे यहाँ हंसने की बात आपको बताऊं, ये देखिए जो संदेश भैया एक है ना तो उन्होंने क्या किया, देखिए ये हींग की डिब्बी है और ये देखिए सारे डिब्बे खाली रखे हैं, दूसरी हींग की डिब्बी में उन्होंने जीरा रख रखा है, तीसरी हींग की डिब्बी में उन्होंने काला नमक रखा हुआ है। तो मैं जब सब्जी बनाती हूँ ना तो सारी डिब्बी खोलती हूँ तब हींग की खोलती हूँ, और जबकि खाली डिब्बे सारे रखे। इस समय वो थोड़ा छुट्टी पे गए हुए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे ये देखिए लहसुन हमारा पक चुका है, अदरक लहसुन है ये, इसको डाल देंगे थोड़ा सा ये टमाटर। तो टमाटर के डालते ही हम डालेंगे इसमें नमक, और कश्मीरी मिर्च देखिए इसमें भी हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये भी हमारा मेथी का साग है। अब इन टमाटर को गलने तक हम थोड़ा सा इसको ढक के पका लेंगे, देखिए टमाटर को थोड़ा गल जाए, इससे ढक देते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो पानी छूटता है इसी से मेरा टमाटर पकता रहता है। और दोस्तों आज ये देखिए मैंने बनाई है मक्के की रोटियाँ, ये देखिए ये मक्के की रोटी है, इसको खाना है। मक्के की रोटियाँ हमारे यहाँ जाड़े में सबको बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे भी अच्छी लगती है, बाजरे की रोटी कम अच्छी लगती है, मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी जिससे टमाटर गल जाए, देसी टमाटर है नहीं ये हाइब्रिड का टमाटर है, थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में। देखिए टमाटर मिक्स हो गया है,
थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक हमने डाल ही दिया है, इसको भून लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा दही हमने निकाल लिया है, ये हमारे घर का ही दही है, ताजा ताजा रोज थोड़ा सा जमा देते हैं, कभी सब्जी बनाने के लिए, कभी खाने के लिए। ठंड में थोड़ा दही देर से जमता है, लेकिन फ्रेंड्स खट्टा नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे और गैस को करेंगे स्लो, इसके बाद हम इसको कर लेंगे। जैसे ये फटकने लगेगा वैसे ही हम गैस तेज कर देंगे, दही की वजह से गैस धीमी करनी पड़ी है, क्योंकि दही फट जाएगा सब्जी में, सब्जी बेकार हो जाएगी। तो अब देखिए फटकने लगा है, मैंने गैस को तेज कर दिया है। फटकने का मतलब होता है बॉयल होना, मतलब ये बॉयल होने लगा है, फटने के चांसेस कम है। चलाते रहेंगे इसको, एक बार आलू मेथी की सब्जी इस तरीके से बनाइए। दही मेथी है दोस्तों, बहुत अच्छी बनती है, मक्के की रोटी के साथ। देख ले फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, देखिए कैसे फदक रही है ये, अब हम इसी स्टेज पे ये जो हमारी ये क्या कहते हैं मेथी है इसको भी डाल देते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, एक बार जरूर बनाइए। ये गांव की सब्जी है, विलेज स्टाइल। वो चलाते रहेंगे हम थोड़ा। अब देखिए मेथी तो मेरी बिल्कुल बारीक कटी हुई थी, थोड़ा सा ऊपर से लाल मिर्चा भी डाल देते हैं जरा सा तीखापन के लिए, ज्यादा तीखा नहीं खाएंगे, थोड़ा सा तीखा कम खाते हैं। चलिए, लेकिन दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, प्लीज जरूर कीजिएगा, वीडियो बड़ी मेहनत से बनता है। अब इसको थोड़ा सा धीमी आंच कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ढक के पका देंगे। देखिए बड़े से ढक देते हैं, इससे ढक देते हैं। दोस्तों सब्जी हो गई रेडी, तो अब हम इसको आपको सर्व करके दिखा रहे हैं।
आलू पालक की, अरे सॉरी मेथी की सब्जी आपने ऐसी अगर नहीं बनाई तो एक बार जरूर बनाइए, कि बहुत सब्जी जो है लगेगा ही नहीं कि ये है क्या। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार हुई, एक बार आप जरूर बनाएं और मक्के की रोटी के साथ इसको सर्व करें। गेहूं की रोटी से इतना अच्छा ये नहीं लगता जितना मक्के की रोटी से अच्छी लगती है। कढ़ाई को हम इधर उतार के रखते थे। अब ये देखिए ये रेसिपी मेरी रेडी है। अब इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से थोड़ी सी धनिया। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये देखिए मेथी की सब्जी है। देखिए दोस्तों ये आपके लिए थाली मैंने लगा दी है। वैसे ये मक्के की रोटियां हैं, इसमें हम लगा देते हैं घी। गरम गरम मक्के की रोटी देखिए और उसके साथ मेथी का साग फ्रेंड्स। ये देखिए मेथी का साग और ये है आम, ये प्याज टमाटर नींबू मिर्चा और ये बढ़िया सी कच्चे टमाटर की चटनी। और ये देखिए ये दोस्तों चने का साग। तो फ्रेंड्स आपको जो अच्छा लगे आप वो खाइए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए फुल वाच कीजिए, वाच टाइम थोड़ा बहुत तो बढ़ जाता दोस्तों। ये देखिए तो ये थाली आपको अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो एक बार तो लाइक कर ही दें। ये देखिए ये देखिए ये है मेथी और आलू और वो है चने का साग। ये देखिए दोस्तों ये है मेरी सुंदर सुंदर सी मक्के की रोटियां। ये देखिए ये मक्के की रोटी, ये है मेरे कच्चे टमाटर की चटनी और ये है मेरा पका हुआ आम। ये कुछ देसी टाइप का है इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया, मन होगा तो काट के खाइए मन हो ऐसे खाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा? ये देखिए मेरी हेल्दी थाली, ये देखिए ग्रामीण अंचल से मिलती हुई थाली। ये है आपका आलू मेथी का साग और मक्के की रोटी और चने का साग। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मिथिला जी की दुनिया से? आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।